आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, पीके मिश्रा साहब फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर एसपीजीपीएम सिक्योरिटी के, स्वागत है सर आपका। अभय दुबे जी आपके साथ आज शुरुआत करूंगी। दुबे जी, रैली में भीड़ नहीं आई थी, कुर्सियां खाली थी, इसलिए बीजेपी और प्रधानमंत्री की तरफ से ये पूरी कहानी बुनी गई है, ये कह रहे रणदीप सुरजेवाला। मैं उम्मीद करूंगी कि आप इसकी गंभीरता को समझें और स्पष्ट जवाब दें। अगर प्रधानमंत्री के लिए वो रूट सैनिटाइज करके एसपीजी को कहा गया तो क्या ये उस पर जाने की इजाजत दी गई, तो क्या ये सीधे सीधे डीजीपी पंजाब की तरफ से बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी रूट पर उन्हीं की थी। दूसरी बात, जिस रूट का सीएम दावा कर रहे हैं कि उन्हें पता नहीं था, प्रदर्शनकारियों का कैसे पता चला, सवाल नंबर दो। और सवाल नंबर तीन कि क्या इस तरह के मामले में पीएम किसी भी पार्टी का हो सकता है? अभय दुबे जी, किसी भी पार्टी का हो सकता है, उनकी सुरक्षा को लेकर इस तरह की चूक स्वीकार्य है कांग्रेस पार्टी को? हाँ अंजना जी, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री का जीवन बहुमूल्य है और देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है उनका जीवन। मैं नहीं मानता प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई वक्तव्य दिया होगा, सूत्रों के हवाले से खबर है, मगर दिया भी है तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जी आपको लगता है कि आपके अपने किसानों से आपको जान का खतरा हो गया? प्रधानमंत्री जी, वो किसान जो आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाते हैं, एक बार मूल्यांकन तो कीजिए। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो वो आपके जान के पिपासु क्यों हो गए? अगर वो नहीं था और आतंकी घटना का प्रश्न था तो प्रधानमंत्री जी अभी 2021 में तो आप नया कानून लेकर आए। आपने जहां हुसैनीवाला के क्षेत्र में ये पुल पर घटना हुई है वो तो जुरिडिक्शन बीएसएफ के अधीन भी आपने दिया था। आतंकी सुरक्षा के दृष्टिकोण को लेकर पंजाब पुलिस के अधिकारों को कम करते हुए आपने एक नया कानून ला कर दिया जिसमें पंजाब ने विरोध भी किया था। प्रधानमंत्री जी, आपने आज कहा कि मैं जिंदा लौट आया, आप हर हाल में लंबी उम्र आपकी रहे, समूचा देश ये कामना करता है, मगर प्रधानमंत्री जी वो 700 किसान जिंदा नहीं लौट पाए अपने घर पर, जिनकी शहादत हो गई, जिन पर अभी मेघालय के राज्यपाल ने कहा कि आपने असंवेदनशील तरीके से ये कह दिया कि वो मेरे कारण मरे हैं क्या? प्रधानमंत्री जी, वो किसान जिंदा नहीं लौट पाए जिन्हें लखीमपुर खीरी में रौंद कर मार दिया, जिन पर आपने संवेदनाएं भी व्यक्त नहीं की।